हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट आ रही है माइंडट्री की तरफ से। माइंडट्री जो है फाइनली जो स्टार्ट कर चुकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्चुअल C1 इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू का मेल सेंड करना। तो फ्रेंड, अभी से आप लोग प्रिपेयर होना चालू कर दो। जिनको नहीं आया है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग का ही बहुत जल्द मे बी अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी आपको मेल आ जाएगा इंटरव्यू का। तो अभी आप लोग प्रिपेयर करना चालू कर दो। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं इसके ऊपर में, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और उसमें जो क्वेश्चन वगैरह मैंने बताए थे उसका आंसर आपको गूगल करने पर आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपना रिज्यूमे पे, आपको अपना प्रोजेक्ट में। आप लोग अपने रिज्यूमे में कम से कम एक प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को कम से कम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाना है, कोडिंग करके नहीं दिखाना है। बस उनको बोलना है ये सर मैंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इनका फ्यूचर भी मैं ये ऐसे करने वाला हूँ। और आपका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर आपने 3 से 4 लोगों के साथ में मिलकर काम किया है तो आप लोग ये मेंशन कीजिएगा, ये सर दिस प्रोजेक्ट इज डन विथ माई 2 to 3 मोर फ्रेंड्स। ओके, हम लोग ने ग्रुप में कंप्लीट किया है कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का जो है प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड, आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इंटरव्यू देना है। जो भी आप लोग पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े हो, अभी जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है 4:30 PM पे या फिर 3 PM पे, तो आप लोग अभी से तैयार कर लो, अपना रिज्यूमे वगैरह पढ़ो, ठीक है, ठीक है। और उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग बस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और आपका आपने जो भी लिखा होगा रिज्यूमे में प्रोजेक्ट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उस टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, अगर आप नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नॉन टेक्निकल से हो तो आपसे थोड़ा बहुत C++ को आता ही होगा, वो बस आपसे बेसिक DSA पूछेंगे, ठीक है, अगर आपने रिज्यूमे मेंशन करा होगा तो। अगर नहीं है तो यार आप लोग मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने तुम्हें बताया कि आप लोग क्या क्या बेसिकली पढ़ना चाहिए माइंडट्री के लिए, ठीक है। तो जो नॉन टेक्निकल के लिए, आप लोग आराम से पढ़ो, जो भी आपको आपने रिज्यूमे मेंशन कर रखा है बेसिक ऑफ DSA पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अभी आप लोग अभी प्रिपेयर होना चालू हो जाए, मैं बस अभी ये वीडियो अभी सो के उठाऊँ, जस्ट आप लोग को अपडेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोग अच्छे से एग्जाम देना, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना और एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। मिलता है स्टूडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।